Hello, friends. I am Chandana and welcome you to our channel TrustLogix tutorial. TrustLogix is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters, and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our TrustLogix website and mobile app. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस, ओके सो लेट्स स्टार्ट सो प्लीज़ वॉच माय फुल वीडियो टिल एंड ओके सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज इन 2021 इंडिया इज ऑब्जर्विंग विच एडिशन ऑफ द डांडी मार्च सेलिब्रेशंस विच वाज लेड बाय महात्मा गांधी दो में डांडी मार्च सेलिब्रेशन जो कि महात्मा गांधी ने किया था उसका कौन सा एडिशन 2021 में देखा गया सो हेयर आर द ऑप्शन सेवेंटी फाइव नाइन्टी वन एटी टू हंड्रेड सो हेयर द करेक्ट आंसर इज नाइंटी वन ओके ऑन ट्वेल्व मार्च 2021 नेशन ऑब्जर्व द नाइंटी फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द हिस्टोरिक सॉल्ट सत्याग्रह led by the mahatma gandhi it was on march 12 1930 that mahatma gandhi walked from the sabarmati ashram to dandi in gujarat to break the salt tax law to imposed by the which is imposed by the british it was an act of the civil disobedience to protect against british rule in india okay so 12 march 2021 नाइन्टी 91st नाइन्टी फर्स्ट मनाया गया सत्याग्रह का ओके जो हिस्टोरिक आ, मतलब कि हिस्ट्री में जो सोल सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था उसका नाइन्टी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया बारह मार्च दो हज़ार इक्कीस को और ये कब हुआ था ये सोल्ड सत्याग्रह बारह मार्च उन्नीस सौ तीस में हुआ था और जिसमें कि महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से डांडी चल कर गए थे गुजरात में ताकि वो ब्रिटिश के द्वारा लगाया गया हुआ सॉल्ट टैक्स लॉ को हटा सके ब्रेक कर सके और इस वजह से उन्होंने ये सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने का 12 मार्च 1930 को तो ये उनका नाइन्टी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाया गया 12 मार्च 2021 को ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन

100% and 74% okay so here the correct answer is 74% okay the union cabinet has approved an amendment to the insurance act 1938 to increase the permissible foreign direct investment fti limit in insurance sector to 74% करेंटली द एफ डी आई लिमिट इन द लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस इज़ फोर्टी नाइन परसेंट विथ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट कंट्रोल विथ इंडियन ओके सो यूनियन कैबिनेट मंत्री ने इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन थर्टी एट के अमेंडमेंट को अप्रूव अप्रूवल दे दिया है जिससे कि एफ डी आई लिमिट को इंश्योरेंस सेक्टर में सेवेंटी फोर परसेंट इनक्रीज किया गया ओके okay? और अभी करेंटली एफ लिमिट जो है वो लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस में फोर्टी नाइन परसेंट ऑनरशिप है इंडियन की ठीक है इंडियन में फोर्टी नाइन परसेंट ऑनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल है ठीक है एफ लिमिट का ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सो हेर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड ए सी रेलवे रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरिया टर्मिनल हैज बीन सेटअप इन विद सिटी सो भारत का पहला ए सी रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरिया टर्मिनल किस देश में सेटअप किया गया सो हेर द ऑप्शंस आर बेंगलुरु मुंबई चाइन चेन्नई एंड कोलकाता सो है द करेक्ट आंसर इज़ बेंगलुरु इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन ए सी रेलवे टर्मिनल हैज़ बीन बिल्ट एट बैया पनाहली इन बेंगलुरु नेम्ड आफ्टर भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरिया वन ऑफ द फोर मोस्ट सिविल इंजीनियर्स द ए सी रेलवे टर्मिनल इज सेट टू बिकम ऑपरेशनल सून ओके सो भारत का पहला ए सी रेलवे टर्मिनल कहाँ पर बना है बेंगलुरु में एक जगह है बैयाप पनाहली वहाँ पर बना है और तो ये किसके नाम पर बना था ये बना था भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरिया के नाम पर जो कि एक सिविल इंजीनियर रह चुके हैं और इनके नाम पे ये एसी रेलवे टर्मिनल बना जो कि बहुत जल्द ही ऑपरेशनल होने वाला है ओके okay? ये कहा बेंगलुरु में बना है ओके सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर विच हैज बिन डेवलप्ड बाय जापान एंड मेड ऑपरेशनल रिसेंटली ओके सो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो कि हाल में ही जापान ने बनाया है और उसे चालू किया है ठीक है so, सो दुनिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है जो कि जापान में बना है सो हेयर आर द ऑप्शंस एकेन वनो फुगाकू पैंजिया ओके सो हेयर द करेक्ट आंसर इज़ फुगाकू The world's most powerful supercomputer, named Fugaku, developed by Japanese scientific research institute Riken and Fujitsu, has been made available for research work. The development of the machine was started about six years ago in 2014 and was completed in May 2020. And now it will be made operational. Okay. So, pure dunya ka sabse zada powerful supercomputer, jiska ki naam hai Fugaku. ये कब कहाँ पे डेवलप किया गया ये जापानीज़ में डेवलप किया गया जापानीज साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रिकेन और फुजित्सु यहाँ पे डेवलप किया गया है ये पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है फुगाकू और इसका डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ था ये छः साल पहले दो में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था और मे दो में कम्प्लीट हुआ और अब ये दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर माना जाता है ओके सो नाओ नेक्स्ट क्वेश्चन द साउंडिंग रॉकेट आर एच फाइव सिक्सटी वॉज रिसेंटली लॉन्च बाई इसरो दिस आर एच फाइव सिक्सटी बिलोंग टू विथ सीरीज ऑफ साउंड रॉकेट्स ऑफ इसरो सो एक रॉकेट है आर एच फाइव सिक्सटी साउंडिंग रॉकेट आर एच फाइव सिक्सटी ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया और ये रॉकेट साउंडिंग रॉकेट के किस सीरीज का है ओके okay, इसरो के साउंडिंग रॉकेट के किस सीरीज का ये रॉकेट है आर एच फाइव सिक्सटी सो हेयर आर द ऑप्शंस रोहिणी अपर्णा गंगा सोलिया सो हेयर द करेक्ट आंसर इज रोहिणी द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च द इंडिजीनियसली मेड साउंडिंग रॉकेट आर एच फाइव सिक्सटी ऑन मार्च ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर एस डी एस सी श्री हरिकोटा रेंजर आंध्र प्रदेश इसरो हैजलप्ड अ सीरीज ऑफ साउंडिंग रॉकेट कॉल रोहिणी सीरीज ओके सो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल में ही ये साउंडिंग रॉकेट बनाया है आर एच फाइव सिक्सटी कब बनाया है बारह मार्च दो हजार इक्कीस को और कहाँ से बना है ये बना है एस डी एस सी सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्री हरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश में है यहाँ से ये बना है और इसरो ने इसके इसमें क्या डेवलप किया है ये एक सीरीज पूरा डेवलप किया है रॉकेट का सीरीज और इस सीरीज को क्या बोलते हैं साउंडिंग रॉकेट का एक सीरीज है जिसका नाम है रोहिणी सीरीज ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ग्लोबली पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब मनाया जाता है सो हेयर आर द ऑप्शन मार्च इलेवन मार्च ट्वेल्व मार्च थर्टीन एंड मार्च फोर्टीन सो हेयर द करेक्ट आंसर इज मार्च फोर्टीन एवरी ईयर द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्जर्वड ऑन मार्च फोर्टीन हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स चौदह मार्च को मनाया जाता है ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट क्वाडरी क्वाड लीडर्स वर्चुअल समिट वॉज हेल्ड रिसेंटली विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वाड नेशन, ओके सो सबसे फर्स्ट क्वाडरी क्वाड लीडर्स का वर्चुअल समिट हाल में ही ऑर्गेनाइज किया गया तो कौन सा देश इस क्वाड नेशन का पार्ट नहीं था और यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया जापान चाइना यूनाइटेड स्टेट्स सो है द करेक्ट आंसर इज चाइना The first ever quadrilateral Quad Leaders Virtual Summit was held on March 12, 2021 on virtual platform. The US, Australia, India, and Japan were the members of Quad Nation. The four leaders, namely President Biden, US, Prime Minister Scott Morrison, Australia, Prime Minister Yoshihide Suga, Japan, and Prime Minister Narendra Modi. ओके okay? सो so, सबसे पहला दुनिया में सबसे पहला जो क्वाड लीडर वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज़ किया गया वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ये कब ऑर्गेनाइज हुआ ये ऑर्गेनाइज़ हुआ 12 मार्च 2021 को ओके okay? और इसमें कौन से चार देश कोऑर्डिनेशन में थे और इस कोऑर्डिनेशन में चाइना नहीं था तो कौन से चार देश थे यूएस थे यूनाइटेड स्टेट्स जिसके की प्रेसिडेंट कौन है बिडेन प्रेसिडेंट बिडेन हैं इसके लीडर और इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया था ऑस्ट्रेलिया के थे मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन इसके लीडर वहाँ पे शामिल थे और उसके बाद फिर इंडिया से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे शामिल थे और जापान के प्राइम मिनिस्टर योशीदे सुगा वहाँ पे मौजूद थे ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च बाई गवर्नमेंट अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम हैज़ बिन डेवलप बाय सो हाल में ही एक ऐप लॉन्च किया है गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम इस सिस्टम के अंदर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है मेरा राशन मोबाइल ऐप सो ये किसने डेवलप किया सो हेयर आर द फोर ऑप्शंस नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया National Informatics Center TCS India Post so here the correct answer is NIC National Informatics Center the government has launched a mobile app called Mera Ration under one nation one ration card system for the benefits of citizens especially those ration card holders who move to new areas for livelihoods द एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन डेवलप बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ओके सो सरकार ने हाल में ही ऐप लॉन्च किया है मेरा राशन वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम के अंदर ओके जिससे कि सारे सिटीजन को बेनिफिट हो राशन कार्ड का और ये ऐप जो है ये किस कौन डेवलप किया ये डेवलप किया नैशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एन आई सी ओके सो ना नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेट प्लेयर टू क्रॉस टेन थाउजेंड रन मार्क अक्रॉस ऑल फॉर्मेट ओके सो सबसे पहली भारतीय वुमेन क्रिकेट प्लेयर कौन है जिन्होंने दस हज़ार रन क्रॉस किया है ओके okay? और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं मिथाली राज स्मृति मंधना हरमनप्रीत कौर झूलन गोस्वामी सो हेयर द करेक्ट आंसर इज मिथाली राज

The Global Ayurveda Festival, 2021, GAF 2021 was which edition of the annual Ayurveda festival? Annual Ayurveda festival ka GAF 2021 konsa edition tha? So here are the options: seventh, fifth, third, fourth. So here the correct answer is fourth. Prime Minister Narendra Modi addressed the fourth Global Ayurveda Festival. GAF on 12th March 2021 through virtual mode subscribe our trust logics tutorial youtube channel to get more informative and useful videos regularly so thank you and have a nice day ahead